प्यारे बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आए और कुछ कमेंट्स आए हैं कि उनको एग्ज़िट की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाए। तो इसके लिए मैंने ये कुछ एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के लिए स्टार्ट किया है। जो बच्चे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं वो इसको देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ अब हम एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के MCQs विद एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स। सबसे पहले क्वेश्चन है कि फार्मास्यूटिक्स कैसे कहते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम वन बाय वन सभी सब्जेक्ट्स को लेंगे। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। बी, द स्टडी ऑफ ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन। सी, द स्टडी ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन एंड साइड इफेक्ट्स। एंड डी, द स्टडी ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड देयर इफेक्टिवनेस। तो यहाँ अगर हम बात करें फार्मास्यूटिक्स में, तो ये क्या है कि स्टडी ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मुलेशन। हालांकि ड्रग डिलीवरी सिस्टम और इफेक्टिवनेस ये भी फार्मास्यूटिक्स में ही आती है, लेकिन बेसिकली हम जो है मैन्युफैक्चरिंग और फार्मुलेशन वगैरह हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। वहीं हम जो है मेडिसिनल ड्रग्स और इफेक्ट्स वगैरह जो है हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, इंट्रैक्शन फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये हालांकि कोई क्वेश्चन जो है यहाँ आप देखिए फार्मास्यूटिक्स है क्या, क्वेश्चन रखा क्यों है मैंने, जिससे कि आपको फार्मास्यूटिक्स का एक मतलब समझ में आए। तो फार्मास्यूटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मुलेशन ऑफ ड्रग्स। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डोजेज फॉर्म्स, ड्रग स्टेबिलिटी एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ ड्रग इनटू सूटेबल डोजेज फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि फार्मास्यूटिक्स जो है एक ऐसी फार्मेसी की डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है, जिसमें हम ड्रग्स का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मुलेशन पढ़ते हैं। और इसमें जो है हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डोजेज फॉर्म, ड्रग स्टेबिलिटी और ड्रग को हम एक सूटेबल जो एडमिनिस्ट्रेबल डोजेज फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, इसको हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following dosage form provide the fastest drug absorption? अब यहाँ पर कौन सी dosage form है जो जिसका absorption सबसे तेज़ी से होता है। सबसे पहले हम यहाँ देखें absorption किसे कहते हैं। absorption का मतलब होता है drug का blood में पहुँचना, drug का blood में पहुँचना, उसको हम bioavailability भी कहते हैं। जो drug कितनी drug blood में पहुँची तो उसी के accordingly effect भी आता है। जितना ज़्यादा ड्रग का अमाउंट ब्लड में पहुँचेगा तो उतना ही जल्दी इफ़ेक्ट भी होगा, उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट भी रहेगा। तो यहाँ कौन सा जो डोसेज फॉर्म है जो फास्टेस्ट ड्रग अब्सॉर्प्शन जिसका होता है, तो ये टैबलेट, ए, बी कैप्सूल, सी सॉल्यूशन एंड डी सस्पेंशन। तो इसका आंसर है सॉल्यूशन, आंसर सी सॉल्यूशन। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एक्सप्लेनेशन में, सोल्यूशन आर लिक्विड डोसेज फॉर्म्स इन विच द ड्रग इज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व। सोल्यूशन क्या होता है कि इसमें ड्रग जो है कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है, और इसी लिक्विड नेचर की वजह से, ड्यू टू देयर लिक्विड नेचर, सोल्यूशन प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन बिकॉज द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी इन द डिजॉल्व स्टेट एंड कैन बी रेडिली एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड स्ट्रीम। टैबलेट, कैप्सूल एंड सस्पेंशंस ऑन द अदर हैंड नीड टू बी डिसइंटीग्रेटेड टू और डिजॉल्व बिफोर द ड्रग कैन बी अब्सॉर्ब्ड। यहाँ पे क्या है कि जो दूसरी डोसेज फॉर्म है, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है या सस्पेंशंस हैं, तो इनको भी या इनको ड्रग को एब्जॉर्ब होने से पहले डिजॉल्व होना पड़ता है, इनको भी डिजोल्यूशन इनका होना पड़ता है, और डिजोल्यूशन के बाद ही एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन फॉर्म में ड्रग है तो वो ऑलरेडी डिजॉल्व है, तो इसलिए इन चारों केसेस में हम देखें, टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में देखें, तो सॉल्यूशन का जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्टेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा जल्दी ये एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म। सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म कौन सी इनमें जो है, ए, इमीडिएट रिलीज टैबलेट, बी, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स और कैप्सूल्स, सी, सबलिंगल टैबलेट्स एंड डी, ट्रांसडर्मल पैच। सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म, इसमें क्या होता है कि किसी डोसेज फॉर्म के एक्शन को सस्टेन कर दिया जाता है।
उसको, जिससे कि वो लंबे टाइम तक उसका इफेक्ट रहे। धीरे उसमें से क्या होगी, जो डोसेज फॉर्म है उसमें से ड्रग का जो अमाउंट है वो धीरे 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 वो रिलीज़ होता है लंबे टाइम तक। तो यहाँ पे जो है इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि अब इन जो चार जो ऑप्शन दिए हैं, इमीडिएट रिलीज टैबलेट, एंटेरिक कोटिटाव कैप्सूल और सबल्यूंगल टैबलेट और ट्रांसडर्मल पैच, इनमें से कौन सा एग्जांपल है सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म का। तो यहाँ हम एग्जांपल इस आंसर देखें तो आंसर इज ट्रांसडर्मल पैच, ट्रांसडर्मल पैच दिस वन। यहाँ इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देखें कि सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म इज डिज़ाइन टू रिलीज द ड्रग स्लोली एंड कंसिस्टेंटली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी डोसेज फॉर्म से जो ड्रग है वो धीरे धीरे स्लोली रिलीज़ होती है और कंसिस्टेंटली रिलीज़ होती है, एक यूनिफॉर्म अमाउंट में रिलीज़ होती है एक लंबे टाइम के लिए। तो ट्रांसडर्म, अब यहाँ पे जो एग्जांपल में जो क्वेश्चन में जो आंसर है वो ट्रांसडर्मल पैच है, आर वन ऑफ सच एग्जांपल। पैच है, पैच लगा देते हैं तो उसमें से जो मेडिकामेंट है वो धीरे धीरे रिलीज़ होता रहता है स्किन पर। तो यहाँ दे आर अप्लाई टू द स्किन एंड द ड्रग इज़ रिलीज्ड ग्रेजुअली थ्रू द स्किन इनटू द ब्लड स्ट्रीम ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। इमीडिएट रिलीज टैबलेट, एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स एंड सबल्यूंगल टैबलेट्स आर नॉट डिजाइंड फॉर सस्टेन्ड रिलीज। यहाँ इसलिए क्या है कि जो इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स हैं या एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स हैं या सबल्यूंगल टैबलेट्स हैं, ये जो है सस्टेन्ड रिलीज के लिए नहीं होती। इस ट्रांसडर्मल पैच जो है वो सस्टेन्ड रिलीज के लिए होता है। नेक्स्ट हम देखें Which of the following factors can affect the bioavailability of the drug? इनमें कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, पेशेंट एज एंड सेक्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ऑप्शंस हैं। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि बायोअवेलेबिलिटी को इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पता लगना जरूरी है कि बायो अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी इज़ द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग दैट रीचेज टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्रग का जो वो अमाउंट किस स्पीड पर, ड्रग का कितना अमाउंट कितनी स्पीड पर ब्लड के अंदर जाता है उससे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। क्योंकि ड्रग जितनी ज़्यादा बायो अवेलेबल होगी उतना ही जल्दी इफेक्ट भी आएगा। तो जैसे कि हम IV इंजेक्शन से अगर कोई मेडिसिन देते हैं तो उसको डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर IV इंजेक्शन से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, बाकी किसी और डोसेज फॉर्म में बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती। तो यहाँ तीनों ही फैक्टर्स जो है इसमें होंगे जो कि बायो अवेलेबिलिटी को जो अफेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसको हम एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। एक्सप्लेनेशन, क्या बायो अवेलेबिलिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट एंड रेट एट विच द ड्रग रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड इज़ अवेलेबल फॉर द एट द साइट ऑफ एक्शन। बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि रेट एंड एक्सटेंट, रेट मीन स्पीड, एक्सटेंट मीन अमाउंट, और कितनी स्पीड पर कितना अमाउंट ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड में पहुँचता है उसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, और साइट ऑफ एक्शन के लिए अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर जो है कुछ फैक्टर्स हैं, सेवरल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस बायो अवेलेबिलिटी। कुछ फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे इंक्लूडिंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जाहिर सी बात है अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, हम अगर ओरल रूट से देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी अलग होगी क्योंकि वहाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होता है और लीवर में ड्रग डिग्रेड भी होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से। वहीं अगर सबलिंगुअल रूट से देते हैं तो लीवर बाईपास हो जाता है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास होता है उसमें भी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम वहीं इसको IV इंजेक्शन से अगर हम देते हैं तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। तो यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। सेकंड है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन एंड पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स सच एज एज एंड सेक्स। तो यहाँ की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बता दिया कि अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, वाइल ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन कैन आल्टर इट्स मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। अगर ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन अगर होगा तो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है और उसका एक्सक्रीशन है वो अल्टर हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, जो भी इसलिए जो है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन से भी बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी। थर्ड इसमें जो है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस ड्रग एब्जॉर्प्शन
डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अगर एज भी है इस पर अफेक्ट करती है कि एज जब बढ़ जाती है तो उसमें ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, और मेटाबॉलिज्म कई बार ऑर्गन्स जो है प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एक्सीपिएंट्स इन फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस। जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस हैं उनमें एक्सीपिएंट का पर्पज़ क्या होता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जिट एग्जामिनेशन में भी आएंगे, फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन जब होता है तो उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तो एक्सीपिएंट्स का जो है पर्पज़ क्या है, टू इम्प्रूव ड्रग स्टेबिलिटी, ए बी टू एनहांस ड्रग एब्जॉर्प्शन, सी टू प्रोवाइड कलर एंड फ्लेवर टू द फार्मूलेशन, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ हमें समझना ज़रूरी है कि एक्सीपिएंट किसे कहते हैं। एक्सीपिएंट्स क्या होता है, ये होते हैं इनर्ट मटीरियल होते हैं ये अदर देन ड्रग, जो कि ड्रग के अंदर मिलाए जाते हैं। ड्रग के अंदर इनको वो मिलाया इसलिए जाता है कि ड्रग की डोज जो कम होती है बहुत, और उसको बल्क बढ़ाने के लिए ड्रग को, जिससे कि उनको एक सूटेबल डोसेज फॉर्म में उसको फॉर्मुलेट किया जा सके, बनाया जा सके, जिससे कि ईजीली उसको लिया जा सके, तो उसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं एक्सीपिएंट्स को। ये ड्रग का बल्क भी बनाते हैं और ये डिसइंटीग्रेंट्स भी होते हैं, ये लुब्रिकेंट्स भी होते हैं, ये फ्लेवरिंग एजेंट्स भी होते हैं, ये कई सारे एक्शन होते हैं एक्सीपिएंट्स के, और ये इसीलिए यूज़ करते हैं हम कि ड्रग को जो है एक सूटेबल डोसेज फॉर्म बनाने के लिए, जिससे कि उसको इजीली एडमिनिस्टर किया जा सके। जैसे हम टैबलेट देखें, अगर किसी टैबलेट में किसी ड्रग का अमाउंट 500 मिलीग्राम है, 500 मिलीग्राम है, तो 500 मिलीग्राम ड्रग की टैबलेट बनाना इतना ईजी नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसमें जो है एक्सीपिएंट्स डाइल्यूएंट्स उसमें हम ऐड करते हैं, उसमें हम डिसइंटीग्रेंट्स, उसमें लुब्रिकेंट्स, उसमें हम जो है और बाइंडिंग एजेंट्स वगैरह, और इसमें कई सारी चीज़ें हम इसके यूज़ करते हैं, जिससे कि ड्रग को फॉर्मुलेट किया जा सके डोसेज फॉर्म में। इनको हम कहते हैं एक्सीपिएंट्स, जो कि इनर्ट होते हैं, इनका ड्रग के साथ में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। तो ये एक्सीपिएंट्स होते हैं, और जाहिर सी बात है ये एक्सपीरियंस जो है स्टेबिलिटी इनको इम्प्रूव करने के लिए भी, ड्रग के एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए भी, और कलर और फ्लेवर के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो एग्जांपल द व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सीपिएंट्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इज़, आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव, टू इम्प्रूव ड्रग स्टेबिलिटी, टू एनहांस ड्रग एब्जॉर्प्शन, एंड टू प्रोवाइड कलर एंड फ्लेवर टू द फार्मुलेशन। यहाँ हम तो आंसर इज़ डी ऑल ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन हम देख लें यहाँ पे इसमें कि एक्सीपिएंट्स आर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन अलॉन्ग साइड द एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट्स, दे सर्व वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग इंप्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी बाय प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन, एनहांसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय प्रमोटिंग स्टेबिलिटी एंड परमेबिलिटी, एंड प्रोवाइडिंग कलर एंड फ्लेवर टू मेक द फार्मूलेशन मोर अपीलिंग। Excipients play a crucial role in ensuring the quality, efficacy, and patient acceptability. Patient acceptability of pharmaceutical products. तो ये क्या है, ये excipients होते हैं stability को improve करने के लिए, color और flavor देने provide करने के लिए, जिससे कि जो drug का जो bad taste है उसको mask किया जा सके, और जो है स्टेबिलिटी भी कैसे कहते हैं कि उसको डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सारे काम होते हैं एक्सीपिएंट्स के। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप इनको देख लें। हम अब और भी इसमें सब्जेक्ट वाइज हम क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट कर लें, जिससे वो भी इस चैनल से जो है बेनिफिट ले पाएँ। धन्यवाद।